चार दिनों से लगातार सुअरों की मौत को देखते हुए ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा हो गया है। बीमारी ऊपर हो गई बा और उससे तुनियों के बीमारी पर तैया के मैडम आइल बनी आशाए भाई बनी डॉक्टर साहब वो अगर उपाय पता है और जांचने के बाद पाया गया कि इनमें काफी तेज बुखार हो रहा है और मृत्यु दर काफी ज्यादा है। एक किलोमीटर के अंदर में जितना स्वस्थ शुक्र है उनको कलिंग मारना पड़ेगा। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला बेतिया में एक ऐसी घबरा देने वाली खबर सामने आ रही है जो सभी के दिल को दहला करके रख दिया है। बता दें कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला बेतिया के सिकटा प्रखंड क्षेत्र में चार दिनों से लगातार सुअरों की मौत को देखते हुए ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा हो गया है। आइए खबर विस्तार से बताते हैं। बताया जा रहा है कि बेतिया सिकटा बाजार में इधर चार दिनों में आधा दर्जन सुअरों की मौत हो चुकी है, जिसमें लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय बाजार के शंकर जायसवाल के घर के पीछे शुक्रवार को एक सुअर मरा पाया। उसमें शराफ की खाली जमीन पर कचरा के ढेर एक मरा मिला था। मंटू शराफ के घर के बगल वाली रास्ते में भी एक सुअर मरा हुआ दिखा। सिकटा बाजार के गोपाल शाह, जयप्रकाश चाट वाले अनिल शाह, मंटू शराफ, संतोष कुमार, बीरू शाह आदि ने बताया कि वही घोड़ा सहन नहर के दक्षिण गणेश पटवा के घर वाली गली में गणपत सोनार के घर के पीछे गुरुवार को एक सुअर मरा हुआ पाया गया। इसे लेकर के आसपास के लोगों में काफी दहशत का माहौल। वहीं श्याम सुंदर पटवा, रमेश बर्णवाल, रिंकू कुमार महेंद्र महतो आदि ने कहा कि इधर चार दिनों से सुअरों की मरने की बात सामने आ रही है। पहले एक दो मरे तो लगा कि वैसे ही बीमारी के कारण या फिर किसी कहीं खा लिया होगा, जिसके कारण उसकी मौत हो रही है। सुअर की मौत तापातोड़ होकर के काफी गंभीर घटना है, जिससे मानव एवं भी संक्रमित फैल सकता है, जिसको लेकर के भय है। इस बीच मृतक सुअर के डेड बॉडी फेंकने के लिए सुअर पालक मनमानी पैसे लेकर के फेंक रहे हैं। एक को डिस्पोजल करने के लिए 1,500 से 2,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, जिसे लेकर के लोग परेशान हैं। सुअरों के अचानक मरने की खबर पर प्रखंड प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। शनिवार की सुबह इस खबर पर बीडीओ मीरा शर्मा एवं पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा ने सिकटा बाजार एवं महादलित बस्ती में पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पशुपालन पदाधिकारी ने सुअरों के मरने के पहले उनमें लक्षण की जानकारी के लिए फिर बताया कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो सकता है। इसके लिए रिपोर्ट जिला में भेजा जा रहा है। यह बीमारी सिर्फ सुअरों से सुअर में होती है, जिसमें एकाएक फिर 107 से 108 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। सुअर हाँफने लगते हैं, फिर 24 से 48 घंटा में उनकी मौत हो जाती है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। अफ्रीकन स्वाइन फसलों पर की आशंका को लेकर के स्वास्थ्य सुअरों को यह से अलग हटाने का सुझाव सुअर पालकों को दिया गया है। हाल ही में इस तरह का शिकायत पूर्वी चंपारण के रक्सौल में मिला था। वहां भोपाल एवं कोलकाता से आई टीम ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि किया था। यहां से भी रिपोर्ट भेजा जा रहा है। इसके पुष्टि होने पर 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले संक्रमित सुअरों को इंजेक्शन दे करके मार देने का विधान सामने आ रहा है। इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ घंटी के चिन्ह पर भी जरूर दबाएं। बीमारी ऊपर हो गई बा और उससे तुनियों के बीमारी पड़ती है। यहाँ के मैडम आइल बनी आशाए भाई बनी डॉक्टर साहब वो अगर उपाय पता है मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा है और मैं प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी सिकटा के पद पर सिकटा प्रखंड में पदस्थापित हूँ। और सुबह में कुछ पशुपालकों द्वारा बताया है कि शुक्रों में काफ़ी मृत्यु हो रही है विगत एक सप्ताह से। तो मैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी सिकटा और दोनों हम लोग गए थे और जांचने के बाद पाया गया कि इनमें काफ़ी तेज बुखार हो रहा है और मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। ये संभवतः अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो सकता है, लेकिन इसका आगे जांच के बाद ही पता लगेगा। तो अभी बिना जांच के उसका सीरोलॉजिकल टेस्ट होगा, उसका ब्लड से जो ही पता लग पाएगा। अभी तो सिम्टोमेटिक है कि बुखार है, 106 डिग्री, सांस लेने में परेशानी हो रही है, बस ये है। और ये महामारी के रूप में है, करीब लगभग सभी सूत्रों में देखा गया है।
देखिए जो अब क्या बीमारी है अगर पता लगता है, अगर अफ्रीकन स्वाइन फीवर है जैसे पूर्वी चंपारण में दिखा है, तो इसमें सभी शुक्रों का कलिंग करना पड़ेगा। एक किलोमीटर के अंदर में जितना स्वस्थ शुक्र है उनको कलिंग मारना पड़ेगा ताकि ये बीमारी आगे नहीं बढ़ सके, और फिर उसके बाद एरिया को सैनिटाइज करना पड़ेगा।